और लास्ट में हम इसके बहुत ही अच्छे हिडन बेनिफिट की बात करने वाले हैं, और वो है कि आपको फ्यूल परचेजेस पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो एज यू कैन रीड बाय द टाइटल कि आज हम अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं। तो क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि आरबीआई ने 15 महीनों बाद फाइनली अमेरिकन एक्सप्रेस पर नए कार्ड ना इशू करने की रिस्ट्रिक्शन अब हटा दी है, तो कुछ ही दिनों में आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से नए कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है ₹1000 प्लस GST, और ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको मिलेंगे वेलकम बेनिफिट्स और 4000 बोनस मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन ये वेलकम बेनिफिट पाने के लिए आपको 90 दिन के अंदर ₹15000 का खर्चा करना होगा इस क्रेडिट कार्ड से। इस कार्ड की रिन्यूअल फी है ₹4500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, और रिन्यूअल बेनिफिट में आप 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं सेकेंड ईयर की रिन्यूअल एनुअल मेंबरशिप पे करने के बाद। ये बेनिफिट सिर्फ आपको सेकेंड ईयर की फी पे करने पर मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलते। टॉकिंग अबाउट फी वेवर, आपकी ₹4500 की रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो सकती है अगर आपके पिछले साल का टोटल स्पेंड 1.5 लाख या फिर उससे ऊपर का है, और अगर आपका पिछले साल का टोटल स्पेंड 90,000 से 1,49,999 मतलब ₹1 कम भी हुआ तो आपकी एनुअल मेंबरशिप रिन्यूअल फी 50% वेव ऑफ हो जाएगी। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास कम से कम एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए किसी और बैंक का, और आपकी एनुअल इनकम मिनिमम 6 लाख होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर बात करें बेनिफिट्स की तो इसमें कोई लाउंज एक्सेस, मूवी बेनिफिट या फिर किसी भी प्रकार के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन इसमें काफी स्पेंड बेनिफिट्स हैं। सो सबसे पहले आपके हर ₹50 के खर्च पर आपको एक MR पॉइंट मिलता है आपके कुछ खर्चों को छोड़कर, जैसे फ्यूल, इंश्योरेंस, कैश विड्रॉल्स, यूटिलिटी बिल्स एंड EMI कन्वर्जन्स। नेक्स्ट इज बोनस मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप हर महीने 1000 बोनस MR पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं अगर आप हर महीने कम से कम ₹1500 की 4 ट्रांजैक्शन करें। आप 1000 बोनस पॉइंट्स और अर्न कर सकते हैं अगर आप हर महीने ₹20000 का खर्च करें। बट प्लीज नोट, इस बेनिफिट के लिए आपको MX की वेबसाइट पर जाकर खुद को एनरोल करना पड़ेगा। अब आते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स पर। तो अब आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हैं। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप काफी ब्रांड्स की वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म काफी लीडिंग ब्रांड्स जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वन प्लस, क्रोमा, एप्पल जैसे काफी ब्रांड्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप इन लीडिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांड्स की इंस्टेंट ई वाउचर भी खरीद सकते हैं, दैट टू ऑन अ डिस्काउंटेड रेट एंड एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स। इन सब कैटेगरीज में आपको मिलते हैं 2x पॉइंट्स, यानी डबल द रिवॉर्ड पॉइंट्स। बट आप ये जरूर ध्यान रखिए कि ये जो एक्स्ट्रा 1x पॉइंट होते हैं ये आपके अकाउंट में 120 से 150 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। तो अगर पॉइंट रिडेम्पशन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट क्रेडिट या फिर कैशबैक्स। तो अगर आप अपने पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में रिडीम कराते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 25 पैसा मिलेगी। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ₹1000 रिडीम करवाते हैं तो यू विल गेट ₹250 एज अ स्टेटमेंट क्रेडिट। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आप इन पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं फॉर ताज एंड अदर ब्रांड वाउचर्स, और आपको इन पॉइंट्स की वैल्यू 35 to 50 पैसा भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन विच एवर ब्रांड यू चूज। और लास्ट ऑप्शन है यू कैन ट्रांसफर दीज पॉइंट्स टू एयर माइल्स ऑफ एयरलाइंस लाइक विस्तारा, ब्रिटिश एयरवेज एक्सेट्रा। और MX में 18 और 24,000 पॉइंट्स की गोल्ड कैरेट कलेक्शन भी है। तो अगर आप 18,000 या फिर 24,000 पॉइंट्स को रिडीम कराते हो तो आपको उसकी बेटर वैल्यू मिलती है। सो फॉर एग्जांपल ताज वाउचर आपको अवेलेबल होंगे मोर देन 50 पैसा पे, एंड शॉपर स्टॉप या विस्तारा वाउचर्स वुड फेच यू अराउंड 45 पैसा। तो ये थे इस कार्ड के बेनिफिट्स। चलिए अब बात करते हैं कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कार्ड से, और हमारा क्या ओवरऑल टेक है इस कार्ड को लेकर। तो इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स इसके एडवांटेज है।
लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो कोई इंसान एक मिनिमम यानी बेसिक से बेसिक खर्चा अगर पूरे साल में करेगा तो भी वो इस कार्ड से एक डिसेंट वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सपोज एक इंसान 6,000 से 8,000 रुपए का खर्चा कर रहा है हर महीने, जहां वो एटलीस्ट 4 ट्रांजैक्शन कर रहा है 1500 रुपए की, तो ही विल गेट 1000 बोनस पॉइंट्स इन एडिशन टू रेगुलर स्पेंड पॉइंट्स। तो अब सपोज वो इंसान 8,000 रुपए खर्च कर रहा है हर महीने, तो ही विल गेट 160 पॉइंट्स। Now in addition to that, he is getting 1000 bonus points also. तो अब उसको total कितने मिल रहे हैं? 1160 points. तो इसके पूरे साल का मिला के 13,920 points बनते हैं। तो even if a person redeems these points into statement credit, तो वो expect कर सकता है 3,480 रुपए, which is roughly around 3.6%, which is extremely good. और ये returns इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, around 5-7%, अगर आप कोई और redemption option choose करते हो तो. This much return is excellent for an entry level card और उस इंसान के लिए भी जिनका एक साल का खर्चा 1,00,000 से कम का है। Now if we say कि एक इंसान का खर्चा 20,000 से 25,000 है, तो 25,000 के खर्चे पर उसको 2,000 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे प्लस 500 स्पेंड बेस्ड पॉइंट्स, विच इज एक्चुअली 30,000 पॉइंट्स अ ईयर। एंड अगर वो उसको स्टेटमेंट क्रेडिट करवाएगा तो उसको मिलेंगे 7,500 रुपीज, विच इज रफली अराउंड 2.5%, एंड दिस इज अ मिनिमम रेट। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी 4-7% अगर आप दूसरे रिडेम्पशन ऑप्शंस चूज करेंगे। और सबसे अच्छी चीज कि आपकी रिन्यूअल फी भी वेव ऑफ हो जाएगी। तो इस कार्ड का एक एंट्री लेवल कार्ड के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न है। यही नहीं बल्कि अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड आपको अमेजिंग वैल्यू ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट वाउचर्स। सो यूजुअली जब आप किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर जाके शॉपिंग करते हैं तो ना ही आपको कोई बैंक किसी भी तरीके का ऑफर देता है, या फिर आपको कोई एक्सेलरेटेड पॉइंट्स भी नहीं मिलते, बट आप इंस्टेंट वाउचर्स ले सकते हो इन स्टोर्स के, वो भी ऑन अ डिस्काउंटेड रेट, प्लस आपको 2x पॉइंट्स भी मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पूमा के गिफ्ट वाउचर्स लेते हैं ऑफ ₹5,000 एंड देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, तो वो 5,000 के वाउचर्स एक्चुअली आपको ₹4,100 के पड़ते हैं, प्लस आपको साथ ही साथ 2x पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ₹4,100 पे आपको 164 पॉइंट्स मिल रहे हैं, विच इज गुड इन आवर ओपिनियन। तो आप बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांड्स के वाउचर्स खरीद सकते हैं एमएक्स कार्ड से रिवॉर्ड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म के थ्रू, और इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है आपको ऑफलाइन शॉपिंग में भी और ऑनलाइन शॉपिंग में भी। और लास्ट में हम इसके बहुत ही अच्छे हिडन बेनिफिट की बात करने वाले हैं, और वो है कि आपको फ्यूल परचेजेस पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको ये तो पता ही है कि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। वेल यू डोंट गेट द सेम ऑन दिस, बट यू कैन बाय HP पे कोड गिफ्ट वाउचर फ्रॉम MX और इस पे आपको मिलेंगे 2x पॉइंट्स। तो अगर आपने 5000 रुपीस का गिफ्ट वाउचर लिया तो आपको उसके ऊपर 200 पॉइंट्स भी मिलेंगे, और इन वाउचर्स को आप HP फ्यूल स्टेशंस पर जाकर भी यूज कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ सरचार्ज। सो दिस एक्चुअली मेक्स अ रियली गुड ऑप्शन एज अ फ्यूल कार्ड। और अब अगर हम अपना ओवरऑल ओपिनियन बताएं, तो हालांकि आपको बेनिफिट्स जैसे बुक माई शो वाउचर्स या फिर लाउंज एक्सेस तो नहीं मिलते, बट एक्चुअली इससे कई बेहतर बेनिफिट्स मिलते हैं। वी बिलीव कि ये एक एक्सीलेंट कार्ड है एंट्री लेवल यूजर्स के लिए हु वॉन्ट देयर फर्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, या फिर उन लोगों के लिए जिनका खर्चा एक साल का 1,00,000 तक का है। हम उनके लिए भी रिकमेंड करेंगे जिनका एक साल का खर्चा 2.5-3,00,000 तक का है, एंड अगेन फॉर दोज जिनका रेगुलर बेसिस पे फ्यूल का खर्चा भी है। लेकिन अगर आपके खर्चे 3,00,000 से ज्यादा हैं, तो आप MX के दूसरे कार्ड जैसे गोल्ड चार्ज कार्ड या फिर प्लैटिनम कार्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, एंड हम उन पर भी बहुत जल्दी एक रिव्यू वीडियो जरूर बनाएंगे। तो हमारी फाइनल रेटिंग इस कार्ड के लिए है 4.5 out of 5 स्टार्स। तो यहाँ इस कार्ड का रिव्यू कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और आपको ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।